भट्टर मर गया है, है। मर गया वीसी रिवेन्यू प्रशासन मुर्दाबाद, चौधरी यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम ना चौधरी बंसी करेंगे, ये रंडे मानस चौधरी बंसीलाल जी की फोटो, चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी भिवानी के कैलेंडर से जो हटाई गई है, ये बहुत ही निंदनीय है। और गठबंधन सरकार जो बीजेपी की है, उसकी ये ओछी मानसिकता को अच्छी तरह से दर्शाती है कि ये जो वीसी भी है, इसकी भी बहुत ही घटिया और ओछी सोच जो है ये दर्शाती है। तो ये किस तरह से ये बच्चों को आगे पढ़ाएंगे? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं CBLU के वार्षिक कैलेंडर की। यूनिवर्सिटी के वार्षिक कैलेंडर में चौधरी बंसीलाल की फोटो नहीं होने पर उनके परिजन, समर्थक व कांग्रेसियों में भारी रोष। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें आधुनिक हरियाणा का जनक भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम से भिवानी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। यूनिवर्सिटी के वार्षिक कैलेंडर को लेकर एकाएक मामला सामने आया। हालांकि गत वर्ष भी वार्षिक कैलेंडर में चौधरी बंसीलाल का फोटो नहीं था, लेकिन उस दौरान शायद किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी। इस बार भी यूनिवर्सिटी के वार्षिक कैलेंडर में उनकी फोटो नहीं होने से उनके परिजन, समर्थक व कांग्रेसियों में भारी रोष देखने को मिला। पूर्व मंत्री व विधायक किरण चौधरी ने घोर निंदा की। वहीं बंसीलाल मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से BCCI के पूर्व कोषाध्यक्ष अनिल चौधरी ने VC CBLU से बात की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोष जताते हुए जमकर बवाल काटा। VC CBLU ने अनिरुद्ध चौधरी को आश्वासन दिया कि यूनिवर्सिटी दोबारा कैलेंडर प्रिंट करवाएगी, जिसमें चौधरी बंसीलाल जी का फोटो लगाया जाएगा। भट्टर मर गया है, है। मर गया वीसी है, है। दोनों मर गए है, है। कट्ठे मर गए है, है। इतना रोलो है, है। दोनों मर गए है, है। भट्टर मर गया है, है। वीसी मर गया है, है। मर गए दोनों है, है। इतना रोलो है, है। यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा कट्टर बट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी बंसीलाल जी की फोटो, चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी भिवानी के कैलेंडर से जो हटाई गई है, ये बहुत ही निंदनीय है। और गठबंधन सरकार जो बीजेपी की है, उसकी ये ओछी मानसिकता को अच्छी तरह से दर्शाती है। चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के निर्माता थे, ये सब जानते हैं। और इतिहास को मिटाने की कोशिश जो ये बीजेपी सरकार करने की कोशिश कर रही है, ये कामयाब कभी नहीं होगी, क्योंकि इतिहास को आप बदल नहीं सकते हैं। ये विश्वविद्यालय पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भिवानी के बच्चों के लिए बनाकर दिया था, भिवानी जिले के और आसपास के लोगों के लिए। और आज बहुत सारे युवक जो हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। आज जिस तरह से चौधरी बंसीलाल जी का नाम कैलेंडर से हटाया गया है, इससे ज्यादा और ओछी मानसिकता क्या हो सकती है? इसी तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चौधरी चरण सिंह जी की भी फोटो जो हटाई गई, वो भी बहुत बड़ा अपमान है। मैं तो केवल एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो वीसी भी है, इसकी भी बहुत ही घटिया और ओछी सोच जो है ये दर्शाती है। तो ये किस तरह से ये बच्चों को आगे पढ़ाएंगे? मैं केवल ये बात कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं, और जो ये पहली ऐसी सरकार है कि सरकार जो है इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये इतिहास बदलने का कायवाद केवल ये पहली बार। चौधरी बंसीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे,
एचएयू के अंदर होया आपको पता है और यहाँ भी होगा। आप इस बात में मत जाओ कि पहले था कि नहीं था, वो बात तो करेंगे बाद में। चाहिए आप जो अभी का जो कैलेंडर है, ये यूनिवर्सिटी जो है पूरे देश में, आपको इसके ऊपर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। सर देखिए, आप पेटा भरने वाली बात कीजिए, अब हम भी आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन आप एक बात ऑथेंटिक कीजिए कि हम टेकअप कर लेंगे, हमने सुन लिया, वो तो सारे सुनेंगे हमारी, लेकिन उसके ऊपर आपका एक्शन प्लान क्या है? आप सब जगह थू थू हो रही है। आप सर तो क्यों नहीं है, इसके ऊपर इनका फोटो है, इनका फोटो है, मोदी का फोटो है, खट्टर का फोटो है, जिसके नाम से विश्वविद्यालय है उसका फोटो नहीं है। आप मुद्दे की बात करो बता दो। और ये बात एक मिनट पर भी नहीं, और पहले एक मिनट भाई, बात सीधी और स्पष्ट ये है, बात विवाद की नहीं है, ये मुद्दा है हमारा, और हम इस बारे में वीसी से बात करना चाहते हैं, वीसी आकर के हमारी बात को सुने। बात सीधी और स्पष्ट यही है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑथेंटिक बात हो तो आप करो, नहीं तो कोई एक बात और बताना चाहता हूँ आपको सबको। यूनिवर्सिटी प्रेमनगर में बड़ी है, कैलेंडर में प्रेमनगर का नाम भी कौन ही बता दो। ये कैलेंडर ये 131 किलो दे दिए, प्रेमनगर का नाम कैलेंडर पर कौन ही बता दो भाई साहब। कैलेंडर दोबारा जारी होगा, छपे हुए कैलेंडर वापस लिए जाएंगे। हमने वीसी तो रजिस्ट्रार तो मिलके हमने कोई जो है हमने कोई रिश्तेदारी कायम कौन करनी, हमने अपने बीच में चाहिए अधिकारी। अगर बात बढ़ेगी तो फिर आप लोग जिम्मेदार होंगे, सीधी स्पष्ट बात आपको बता दी, जिम्मेदार होगा इस बात का। देखिए, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का वार्षिक कैलेंडर जारी हुआ, जिनके नाम से विश्वविद्यालय है, जो आधुनिक हरियाणा के निर्माता माने जाते हैं, जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, जो इस भिवानी जिले की शान है, पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल जी का फोटो कैलेंडर से गायब था और सब चौंक गए, क्योंकि ऐसा ही मामला चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में हुआ, जहां कैलेंडर से उनकी फोटो हटा दी गई और पूरे देश में एक साजिश के तहत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, जातीय रंग देने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, खेती किसानी के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आरएसएस, इसके पीछे आरएसएस है और बीजेपी इसके पीछे है कि वो विश्वविद्यालयों को संघ का अड्डा बनाना चाहते हैं। आज यहाँ सब इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर के और ये निर्णय लिया है, रजिस्ट्रार हमारे बीच में आए थे कि बंसीलाल जी का फोटो कैलेंडर में लगे, ये कैलेंडर वापिस लिया जाए, नया जारी किया जाए, और उसी के साथ में गांव प्रेमनगर, जिसने यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जमीन दी, उस गांव का नाम भी गायब है, और उसमें पॉलिटिकल, उसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो है, उसके अंदर मुख्यमंत्री का फोटो है, हम भी यूनिवर्सिटी में गए, तमाम तरह से कैलेंडर आईना होता है विश्वविद्यालय का, लेकिन आज इस तरह से महापुरुषों के नाम से छेड़छाड़ करके और यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या दिखाना चाहता है। आज तय किया गया कि 7 दिन का समय देते हैं और माफी भी मांगनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी प्रशासन को, 7 दिन का समय दे रहे, अगर 7 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर 8वें दिन आंदोलन होगा, और जो वीसी यहां आरएसएस ने बैठा रखा, जो आरएसएस के एजेंडे लागू करना चाहता है, उसको यहां कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाएगा, उसका पक्का इलाज करके जाओगे, ये आज यहां पर तय हुआ जी। अल्टीमेटम दिया 7 दिन का जी सर, क्या अध्यक्ष सीबीएलयू प्रवीण बुरा, आज जो पहले तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में चौधरी साहब का किसानों का मसीहा था, उसकी फ़ोटो हटा दी गई कैलेंडर से, उसके बाद आज चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, जो बंसीलाल के नाम से भिवानी का नाम आज भी पूरे विश्व में चलता है, उसकी फ़ोटो हटा दी गई, और हमने आज आंदोलन संगठनों के युवाओं ने और छात्रों ने मिलकर हमने
आज आंदोलन की रजिस्ट्रार साहब से मिले, किसकी फोटो लगाई जाए और उसके नीचे प्रेमनगर का गांव का नाम दिया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं रजिस्ट्रार को और वीसी को, ये आरएसएस वाले हम अब चलने नहीं देंगे आंदोलन। रजिस्ट्रार साहब ने हमको 7 दिन का टाइम दिया है, 8वें दिन तक हमारा काम नहीं हुआ तो हम दोबारा आंदोलन चलाएंगे यूनिवर्सिटी में, और ये हमारी मांग है, जो ये नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।